Hello my beautiful people, welcome and welcome back to my channel. If you are new here then hi, I am Shri and I really hope that you guys are doing amazing. So आज के वीडियो में मैं आप इनसे शेयर करने वाली हूँ ये देसी इंडियन वेडिंग केस मेकअप ट्यूटोरियल. स्टेप बाय स्टेप मैं आप इनसे शेयर करूँगी एंड साथ ही साथ मैं शेयर करूँगी एक सिंपल सा हेयर स्टाइल. सो अगर आपको जानना है आप इस टाइप के लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो देन प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना. सो या गाइस अगर आपको जानना है कि आप इस टाइप का इंडियन ग्लैम देसी लुक कैसे पा सकते हो देन प्लीज़ keep on watching. So here I'm starting with moisturizing my skin with Pond's Lightweight Moisturizer. इसे मैं apply कर लूँगी पूरी face पे एंड neck पे. ये मेरी skin को hydrate करेगा and मेरी skin को soft and supple बना देगा, जिसे हम जो भी makeup apply करेंगे वो smoothly blend हो जाएगा and हमारा makeup बिल्कुल भी cakey patchy नहीं लगेगा. So guys, it's very important to moisturize your skin before you apply any makeup on your skin. सो देन हम मेकअप के लिए स्किन को प्रेप करेंगे विथ मेकअप प्राइमर. सो यहाँ मैंने लिया है स्टे कोर की मेकअप प्राइमर. इसे मैं अपनी टी जोन पे अप्लाई करते हुए पूरी फेस पे मैं इसे स्प्रेड कर लूँगी एंड अपनी आईब्रो पर एंड आईलिड पर भी अप्लाई कर लूँगी. इसे अप्लाई करने से आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड स्मूथली ब्लेंड होता है आपका फाउंडेशन कंसीलर. एंड इसे अप्लाई करने के बाद आप जो भी अप्लाई करते हो वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जा सकती है, जिससे आपकी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती. सो देन यहाँ मेकअप को ग्लोई बनाने के लिए आपको लेना है सिल्वर हाइलाइटर, जैसे मैंने सिवाना पैलेट से लिया है. इसे मैं अप्लाई करूँगी टिप ऑफ द नोज एंड चिक बोन पर एंड थोड़ा सा फोरहेड पर मैं इसे अप्लाई करूँगी एक विद इन काइंड ऑफ ग्लो के लिए, क्योंकि इसके बाद हम अप्लाई करने वाले हैं फाउंडेशन. सो यहाँ फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है मेबलिन फिटमे का फाउंडेशन, ट्यूब फाउंडेशन. उसमें मेरा शेड है वार्म न्यूट. सो इसे डॉट डॉट फॉर्म पे अप्लाई करने के बाद मैं इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी. गाइस रिमेंबर, हमेशा आपको लेना है एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर. इससे क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है वो स्मूथली ब्लेंड होगा एंड अगर आपने एक्सेस अप्लाई कर लिया है देन वो इसे ये इसे सोक कर लेगा. आपका जो एक्सेस फाउंडेशन होगा उसको आपका ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर लेगा. सो आपको इवनली आपकी फाउंडेशन को डैबिंग मोशन पे आपको स्प्रेड करना है. आपको बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है एंड गाइस आपको अपनी हेयर लाइन पर भी अप्लाई करनी है एंड सेम फाउंडेशन से आपको अपनी नेक एंड ईयर को कवर कर लेनी है. सो यहाँ मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही इवनली ब्लेंड हुआ है. सो देन हम करेंगे हमारा आईब्रो. सो यहाँ वेट एंड वाइल्ड पैलेट से मैंने लिया है ये ट्रांजिशन शेड. इसी से मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी. मैं अपनी नेचुरल शेप में ही हमेशा हमेशा फील करती हूँ, क्योंकि मेरी वैसे ही ठीक है आईब्रो, जैसे कि आप देख ही सकते हो. सो आप आपकी शेप के अकॉर्डिंग आप फील कर सकते हो. सो देन मैं इसे स्पूली की हेल्प से कॉम कर लूँगी ताकि हमारी आईब्रो मैनेजेबल लगे. आई एम सो सॉरी. सो देन यहाँ मैं कंसीलर के लिए लिया है नेक्स का कंसीलर. इसी से पहले मैं अपनी आईब्रो की एजेस को क्लीन कर लूँगी एंड देन मैं अप्लाई कर लूँगी आईलिड पर एज आई बेस. आईलिड पर कंसीलर अप्लाई करने से ये होता है, इसके बाद आप जो भी आई शेडो अप्लाई करोगे वो ब्यूटीफुली टर्न आउट होगा एंड आपका कलर्स बहुत ही प्रिटी दिखेगा. सो इसे भी मैं ब्लेंड कर लूँगी विद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन मैं इसे हाईलाइट के लिए, क्योंकि मेरी इतनी डार्क सर्कल्स नहीं है. अगर आपकी डार्क सर्कल्स है देन आपको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कंसीलर लेना है. मेरी नहीं है सो मैं हाईलाइटिंग के लिए मेरी शेड से वॉन शेड में लाइटर लेती हूँ. सो मैं इससे मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी फोरहेड पर, ब्रिज ऑफ द नोज पर, अंडर आई पर, माउथ एरिया के पास एंड चिन पर एंड क्यूपिड बो पर, एक हाईलाइटिंग इफेक्ट के लिए. सो अब अगेन मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ, आप देख ही सकते हो बहुत ही इवनली ब्लेंड हुआ है. सो आपको इसी तरह अपनी बेस मेकअप को आपको इवेनली रखना है. सो देन यहाँ पर्पल कंपैक्ट से मैं जहाँ जहाँ कंसीलर मैंने अप्लाई करा था उस एरिया को हम सेट कर लेंगे. इससे क्या होता है, आपका कंसीलर क्रीज नहीं करता है
एंड आपका मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अगर आप इसे सेट नहीं करते हो देन आपका कंसीलर हो फाउंडेशन हो क्रीज कर सकती है। सो देन मैं पूरी फेस की फाउंडेशन को सेट नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा मैट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं इसे सेट करूँगी बस उसी एरिया को जहाँ क्रीजेस होने के चांसेस है, लाइक आपकी माउथ एरिया के पास, नोज एरिया के पास एंड चिन पर एंड फोरहेड के कॉर्नर्स पर। सो देन यहाँ मैं क्रीम काउंटर कर रही हूँ। मैंने लिया था स्टे क्वेरी का मेकअप स्टिक, उसका जो डार्कर शेड आता है उसी को मैंने लेकर काउंटर करा है एक ब्रश के हेल्प से, एज यू कैन सी। एंड गाइस मैं अपनी फोरहेड को कभी भी काउंटर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी फोरहेड छोटा है, दस है, बट आप कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। काउंटर करने से हमारी फेस का जो फीचर है वो बहुत ही शार्प हो जाती है एंड हमारी फेस को एक डायमेंशन मिल जाती है। तो इसे मैं एक ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अपनी जॉ लाइन को भी मैंने कॉन्टर करा था। सो देन मैं पाउडर की हेल्प से अपनी पूरी नेक को एंड ईयर को सेट कर लूँगी। एंड गाइस आपको पाउडर को सीधा ड्रैग नहीं करना है अपनी फाउंडेशन कंसीलर के ऊपर, आपको पहले प्लेस करना है, देन जो एक्सेस होगा आप उसे डस्ट आउट कर सकते हो विद एनी पाउडर ब्रश। सो देन मैं उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था ताकि फेस पे जो पाउडरी पाउडर लगता है वो ना रहे। सो देन मैंने वेट एंड वाइल्ड पैलेट से लिया था सेम ट्रांजिशन शेड, इसे मैं एक फ्लपी ब्रश की हेल्प से प्लेस करूँगी आउटर व्यू पर, देन मैं इसे इनवर्ड ब्लेंड करूँगी लाइक दिस। गाइस अगर आप चाहते हो कि आपका आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे तो आपको ब्लेंडिंग पर ध्यान देना होगा। सो आपको इसे इनवर्ड ब्लेंड करना है एंड क्रीज लाइन पर भी लेना है। सो देन मैंने सेम पैलेट से लिया है ये डार्कर शेड मरून शेड, इसे मैं अगेन प्लेस करूँगी आउट ऑफ व्यू पर एंड मैं इसे इनवर्ड ब्लेंड करूँगी। मैं इसे क्रीज लाइन तक ही रखूँगी, ट्रांजिशन पर नहीं लेकर जाऊँगी। सो आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग पर आपको अच्छे से टाइम देना है। मैं इसे थोड़ा सा बस डीप कर लूँगी, थोड़ा सा डीप लाइक दिस। सो देन यहाँ मैं कर रही हूँ कट क्रीज विद सेम नेक्स कंसीलर। मैं एक मीडियम कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं कट क्रीज कर रही हूँ एंड मैं हाफ प्लेट तक कट क्रीज करूँगी लाइक दिस। आपको अपनी क्रीज को बस कट करनी है, जहाँ तक आपकी क्रीज की लाइन है वहीं तक आपको कट करनी है। देन मैंने सेम वेट एंड वाइल्ड पैलेट से लिया था एक गोल्डन शिमर शेड, इसे मैं अप्लाई करूँगी इसी से मैं अपनी जो कट क्रीज है उसी को मैं कवर कर लूँगी, वो कंसीलर को मैं कवर कर लूँगी इसी से। सो देन मैं अगेन थोड़ा सा डस्ट आउट कर लूँगी क्रीज के ऊपर ट्रांजिशन पे जो वो सिमा शेड का जो फॉल आउट हुआ था। देन मैं अगेन वो मैरून शेड से अपनी क्रीज की जो एजेस है उसे मैंने सॉफ्ट कर लिया है ब्लेंड करके। देन मैंने लिया था ब्लैक शेड एंड वो डार्कर शेड मैरून शेड, उसी को मिक्स करके मैंने एक विंग तो नहीं बट एक लाइनर ड्रॉ करा है लाइक दिस, क्योंकि इस लुक के लिए मैंने कोई भी आईलाइनर नहीं लिया है। आप चाहो तो आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, ब्लैक आईलाइनर एक मीडियम विंग लाइन वो बहुत अच्छा रहेगा। सो देन यहाँ काजल के लिए मैंने लिया था पर्पल का काजल, विंकनिंग टुगेदर काजल, इसी से मैं अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लिया है। देन मैंने सेम मैरून शेड से अपनी लोअर लैश लाइन पर स्मज करा है। देन मैं यहाँ अपनी लैसेस को कर्ल कर रही थी एक वॉल्यूम के लिए। देन मैं ऐड कर रही हूँ मस्कारा फ्रॉम लैक्मे आइकॉनिक अपनी अपर लैशेस को एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी एंड ये रहा हमारा आई लुक। आई रियली होप आपको पसंद आ रहा है। सो देन यहाँ लोरियल ब्रॉन्जर से मैंने जो क्रीम काउंटर किया था उसी को मैं सेट कर लूँगी। अपनी जॉ लाइन को, अपनी चिक्स को जो मैंने कॉन्टोर करा था एंड अपनी नोज को, आप चाहो तो वैसे ही छोड़ सकते हो क्रीम कॉन्टोर के साथ थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करके। ओके
ओके सो देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी नोज़ पे। देन मैं ब्लश के लिए लिया था शुगर मिनी ब्लश, इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस आप जो भी ब्लश लेते हो ना उसे आपको लाइट क्वांटिटी में लेनी है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर लग सकता है एंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो इसे मैं थोड़ा सा और अप्लाई कर लूँगी अपनी नोज़ पे एंड चिन पर। एंड इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लश को ताकि जो ओवर भी होगा देन वो हाइड हो जाएगा एंड आपको आपका नेचुरल लुक मिलेगा। ओके सो देन हाइलाइटर के लिए अगेन मैंने अपनी सिवाना पैलेट से लिया है ये गोल्डन शेड, इसी को मैं अप्लाई कर लूँगी फेस की हाइस्ट पॉइंट्स पर, लाइक ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, ब्रा बोन, चेक बोन, क्यूपिड बो, चिन एंड फोरहेड पर। एंड आपको अपनी मेकअप को लॉक करना है देन किसी भी मेकअप सेटिंग स्प्रे से। सो यहाँ मैंने अप्लाई करा था वेट एंड वाइल्ड का मेकअप सेटिंग स्प्रे नेचुरल स्पेटिंग सॉरी सेटिंग स्प्रे से। सो देन यहाँ मैं अपनी ब्राबोन को एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, इससे आपका आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो देन यहाँ मैं अप्लाई करने वाली हूँ स्टे क्वार की मिनी लिक्विड लिपस्टिक, ये एक ऑरेंजी शेड है। इसे अप्लाई करने से पहले मैंने अपनी लिप्स को मॉइस्चराइज कर लिया था विद वेसलिन। सो देन यहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड गाइस ट्रस्ट मी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल शेड। सो इसे अप्लाई करने के बाद मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर लिया है। सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी पीजी सा हेयर स्टाइल। सो आपको क्या करना है, अपनी पूरी हेयर को कॉम करना है पहले, टैंगल फ्री करना है। देन आपको अपनी राइट साइड से टू सेक्शन आपको डिवाइड करनी है लाइक दिस। देन आपको हेयर की मिडल से लाइक जितनी हमें चाहिए पार्टीशन वहीं रखकर बाकी सबको आपको ऐसे कॉम कर लेना है, लाइक क्या कहते हैं उसे, पफ की तरह आपको उसे कॉम कर लेना है। देन आपको साइड से ट्विस्ट करते हुए आपको पीछे तक लेनी है लाइक दिस। ओके आपको ऐसे लेनी है। देन आपको उसे कोई भी हेयर पिन के साथ लॉक कर लेना है, लॉक कर लेना है। एंड आई एम सो सॉरी जो भी सारे मिस्टेक्स हो रही है क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा बहुत जल्दी में रहती हूँ। सो इसे मैंने सिक्योर सिक्योर कर लिया है। सो अब सेम थिंग आपको करना है अपनी अदर साइड पर। ओके सो उसे अच्छे से सिक्योर करने के बाद अब आपको क्या करना है, पीछे जो हेयर आपका रह गया है उसे आपको अच्छे से कॉम करके टाई कर लेना है। देन उसमें से आपको लेना है एक सेक्शन, दो सेक्शन में उसे भी आपको डिवाइड करनी है। ओके सो दो सेक्शन पे डिवाइड करने के बाद आपको एक सेक्शन पे क्या करना है, उसे ट्विस्ट करना है लास्ट तक। देन ट्विस्ट करके उसे आपको लाइक अ बन जैसे बनाते हैं ना उसे रोल करना है जहाँ हमने टाई करा था उसी के अराउंड। अगेन आपको उसे एक पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। देन सेम प्रोसेस हमें करना है अदर साइड पर भी। सो देन अच्छे से बहुत सारी पिन लेकर आपको अपनी हेयर को सिक्योर कर लेना है। सो यहाँ मैंने किया था पेपर से वाइट रोजेस की जो होती है मैंने बनाया था एंड उसी को लगाने के बाद हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट होता है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी हेयर स्टाइल, आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड मेरी बन थोड़ी सी छोटी बनी है क्योंकि मेरी हेयर थिन है। सो देन यहाँ मैंने ज्वेलरी बिंदी एंड साड़ी मैंने वेयर कर लिया है। सो दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक एंड आई रियली होप आपको पसंद आ रहा होगा ये लुक। सो अगर पसंद आ रही है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक दिस वन एंड शेयर दिस वन। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस आई नो कि बहुत सारा मिस्टेक हुआ है आज, बहुत सारा, आई एम सो सॉरी।
गाइस, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता ना, तब तक थोड़ा सा मिस्टेक होगा, सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। एंड यस, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो देन आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे। हम वहीं पर बहुत सारे बातें करेंगे। इंस्टा का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गो ऑन चेक आउट देयर। सो सी यू सून विथ अमेजिंग न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।